नमस्कार, मैं सिमरन संधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संचार पर। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री श्री कृष्ण पाल जी और जेसी बोस यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री दिनेश कुमार जी। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मंत्री जी, आप इस विश्वविद्यालय के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे हैं, आपने इस विश्वविद्यालय को हर पड़ाव पर देखा है, आज आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मैं इसके विषय में सिर्फ इतना कह सकता हूँ, मैं पास के ही गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद का स्टूडेंट था, तो YMCA, तब हमारे बहुत साथी इस यूनिवर्सिटी में, तब ये डिप्लोमा के कोर्सेज होते थे YMCA, तो तब मुझे कई बार यहाँ पर जब छात्र संघ के चुनाव होते थे आने का मौका, मुझे इस यूनिवर्सिटी में आने का मौका मिलता था। लेकिन तब के और आज के स्वरूप में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। पिछले 7 सालों में, जब से दिनेश जी यहाँ के वाइस चांसलर बने हैं, इस जेसी बोस YMCA यूनिवर्सिटी ने, मैं समझता हूँ, अगर मैं अपने आप से तुलना करूँ तो जैसे जैसे राजनीति का सफ़र मैंने तय किया है और एक पार्षद से केंद्रीय मंत्री के रूप में पहुँचा हूँ, वैसे ही इस जेसी बोस यूनिवर्सिटी ने पिछले 7 सालों में उसी तरह तरक्की की है। और यहाँ पर आज 6,000 छात्र यहाँ पर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और जैसा मुझे दिनेश जी ने बताया, आने वाले 3 सालों में ये संख्या 10,000 तक पहुँचने वाली है। तो ये फरीदाबाद के लिए, मैं समझता हूँ, इससे बड़ी उपलब्धि कोई दूसरी नहीं हो सकती कि इन 7 सालों में मोदी जी, मनोहर जी की सरकार आने के बाद YMCA ने एक ख्याति प्राप्त की है और इसको, यूनिवर्सिटी को बुलंदियों पर पहुंचाया है। कुलपति जी, आपके निरीक्षण में इस विश्वविद्यालय ने एजुकेशन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक बहुत तरक्की की है, आगे आने वाले सालों में आप इस यूनिवर्सिटी को कहां देखते हैं? जी, जैसे हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया कि पिछले 7 सालों में जितनी तरक्की हुई है, लेकिन आगे आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करे। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में बोला था कि अब टाइम आ गया है कि जब इंडिया या जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें कि जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका, इवन चाइना को डेवलप कहते हैं, जर्मनी को डेवलप कहते हैं, तो उन कंट्रीज़ के बराबर हम कर सकें। और वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारे स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, ब्लॉकचेन और इस तरह के कोर्सेज को करेंगे, तो हम आने वाले समय में उस तरह के कोर्सेज हैं इंट्रोड्यूस करेंगे। मंत्री जी, मीडिया डिपार्टमेंट के छात्रों के लिए जेसी बोस यूनिवर्सिटी में एक आधुनिक स्टूडियो को स्थापित किया गया है, आने वाले समय में मीडिया की भूमिका समाज में आप कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे इस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। लोगों तक सच्चाई पहुंचाना और देश के, दुनिया के कोने कोने की खबरों से अपडेट रखना, तो मीडिया का बहुत बड़ा स्थान देश के लोकतंत्र में है। और अब मीडिया जिस तेज़ी से तुरंत खबरें लोगों तक पहुंचाता है, किसी भी घटना, दुर्घटना की खबरें मीडिया के द्वारा आम लोगों तक पहुंचती है, तो आज मीडिया का बहुत बड़ा स्थान पूरी दुनिया में हो गया है। और ऐसे में इतना बढ़िया मीडिया सेंटर मैं आज देख रहा हूँ, बड़े बड़े चैनलों के भी ऐसे मीडिया सेंटर मैंने नहीं देखे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम, अच्छा मीडिया सेंटर बनाया है। और यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि जेसी बोस YMCA यूनिवर्सिटी में आने वाले समय में मीडिया जगत में यहाँ से बहुत हमारे बच्चे जाएंगे, जो इस यूनिवर्सिटी का भी नाम रोशन करेंगे, हमारे प्रदेश और ज़िले का नाम भी रोशन करेंगे। मंत्री जी, आखिर में अगर स्वतंत्रता दिवस के इस खास अवसर पर हमारे दर्शकों को आप कुछ संदेश देना चाहें तो? देखिए, आज पूरे देश में आज़ादी का 75वां पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों में उत्साह, जोश देखते ही बनता है। और अब से थोड़ी दूर पहले, क्योंकि मैं भी लाल किले पर, जब जहाँ आज लाल किले की प्राचीर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज जो संदेश भारतीयों को दिया है, उस संदेश से लोगों में नई ऊर्जा का, नए विश्वास का
आत्मविश्वास का संचार हुआ है। और उन्होंने आने वाले जो 25 साल हैं, जब देश की आज़ादी का 100वां साल मनाया जाएगा, तो उन्होंने ये अमृत महोत्सव के रूप में आने वाले 25 सालों को कहा है। और इस जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भारत आने वाले 25 सालों में जब शताब्दी समारोह मनाया जाएगा, तो मुझे कहा उसके लिए हम सबको, जब तक कहते सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास भी और साथ जोड़ा है, इन चारों चीज़ों को लेके जब सब प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले 25 सालों के बाद भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और संपन्न राष्ट्र होगा। ऐसा प्रयास मोदी जी ने संदेश पूरे भारतीयों को दिया है। और एक संदेश उन्होंने और दिया है, उसे बहुत चीज़ें उन्होंने कही हैं, लेकिन अब तक हम मौलिक अधिकारों के बारे में ज़्यादा सजग रहते थे। अगर देश को दुनिया का आने वाले 25 सालों में दुनिया का नेतृत्व करना है भारत ने, तो जो कहा है उन्होंने, अधिकार के साथ साथ आने वाले 25 सालों में हम नागरिकों को अपने कर्तव्यों का भी बोध करना पड़ेगा, कर्तव्यों को भी समझना पड़ेगा, तब निश्चित तौर पर सबके प्रयास से देश आगे बढ़ेगा। कुलपति जी, अगर आप भी कुछ संदेश देना चाहें। मंत्री जी ने अपनी बात के सभी को मैसेज क्लियर दे दिया है, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो यही कह सकता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में आज के दिन हमें ये शपथ लेनी चाहिए कि जैसे मंत्री जी बता रहे थे कि ड्यूटीज को नहीं भूलें, ड्यूटीज हमारी इंपॉर्टेंट है, अधिकार तो सब बात करते हैं लेकिन ड्यूटीज की बात करें। और अगर ड्यूटीज की बात करेंगे तो मेरे को कोई संकेत नहीं है कि थोड़े दिन हमारे जो देश है बहुत अच्छे अच्छे देशों की लीग में होगा, उनसे भी आगे बढ़ेगा। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आज का कार्यक्रम हम जल्दी समाप्त करते हैं, हम फिर से हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।